देश के दक्षिणी हिस्से में चक्रवर्त मेंडुस का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवर्त के आज चेन्नई तट से टकराने की संभावना है। इसको लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन राज्यों के कई जिलों में स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तमिलनाडु के 10 जिलों में एनडीआरएफ और राज्य सुरक्षा बल की 12 टीमें जो है तैनात कर दी गई है। चक्रवर्त मेंडुस के मद्देनजर चेन्नई, विल्लुपुरम, कुड्डालोर और कांचीपुरम जिले में सभी स्कूल कॉलेजों में आज बंद रखने का फैसला रखा गया है। चक्रवर्त मेंडुस के आज मध्यरात्रि तक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा तट को पार करने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बने चक्रवर्त मेंडुस के गंभीर चक्रवर्ती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके प्रभाव के कारण 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। शुक्रवार आधी रात के आसपास महाबलीपुरम के पास जो है तमिलनाडु तट पर पहुंचने से पहले या धीरे धीरे एक चक्रवर्ती तूफान में कमजोर हो जाएगा।